ओम शांति। हम सभी बहुत महान हैं। हमारा लक्ष्य संसार में सबसे महान है। भगवान वाच है, अपनी संपूर्णता की सीट को कभी नहीं छोड़ना। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, परिस्थितियां भी आएंगी और चली जाएंगी। ये सब विनाशी हैं, जाने वाली हैं, परंतु हमारी संपूर्णता की स्थिति संसार के अंधकार को दूर करेगी। जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो मानो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह इस संसार को रोशन करेंगे। ये गहरी काली रात कलयुग की समाप्त होगी। हमारी संपूर्णता बहुत बड़ी चीज है। देखिए, परफेक्ट या तो शिव बाबा हैं, दूसरे नंबर पर ब्रह्मा बाबा हैं। बाकी हम सबको परफेक्ट बनना है। इस स्थिति की महानता को हम समझें। संपूर्णता अर्थात योग में संपूर्ण, पवित्रता में संपूर्ण, सभी धारणाओं में संपूर्ण, स्थिति को निरंतर एक रस रखना, इस संसार में रहते हुए भी यहाँ से डिटैच और उपराम होकर रहना, बस जैसे ऊपर ही ऊपर हैं, संसार को दे रहे हैं, ये हमारी संपूर्ण स्थिति है, जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शांत, प्रसन्न और ईश्वरीय नशे में है। व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त तो है ही, लेकिन साधारण संकल्पों से भी बहुत मुक्त, कामकाज के संकल्प भी बहुत कम। और ये याद रखेंगे, जितने कार्य के संकल्प कम होंगे उतनी हमारी संकल्प शक्ति शक्तिशाली बनकर कार्यों को सफल करेगी। तो अपनी एक सीट बना लें। मुझे साक्षी भाव में रहना है, ये मेरी संपूर्णता की सीट है। मुझे सदा आत्मिक स्वरूप में रहना है, ये मेरी संपूर्णता की सीट है। मुझे बाबा से जुड़े रहना है, ये मेरी संपूर्णता है। मुझे अचल अडोल और एक रस रहना है, ये मेरी संपूर्णता है। इससे नीचे मुझे आना नहीं है। जीवन में जब कुछ भी बातें आए, टेंशन देने वाली बातें आए, मन को भारी करने वाली बातें आ जाएं, तो भी हमें अपने को श्रेष्ठ स्थिति में ही रखना है। ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति संसार की भी परिस्थितियों को समाप्त करेगी। ये स्थिति महान चीज है। हम इसके महत्व को समझें। अगर हम में से 108 आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप पहुंच जाएं, तो संसार से विकारों का, पापों का, अंधकार का जो साम्राज्य चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम ध्यान दें, हमें बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है। मान अपमान के चक्रव्यूह में स्वयं को उलझाना नहीं है, और छोटी बातों में भी अपने अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक महान लक्ष्य है, उसको सामने रखना है और अपने सामने अपनी सीट बना लें। ये है मेरी संपूर्णता की सीट, बस ये है मेरा असली तख्त। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मुझे इसी तख्त पर बैठे रहना है। बाकी सब बातें इसके सामने नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम मूल्य की हैं। तो आज सारा दिन हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं राजा हूँ, सिंह समान आसन पर विराजमान। मैं मन बुद्धि संस्कारों की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। बिल्कुल अपने को राजा देखें। मन बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरे मन शांत, बहुत भटक लिए हो। हे मेरी बुद्धि स्थिर,
अब अपने अंदर श्रेष्ठ भावनाएं संपूर्ण प्योरिटी को धारण करो। अब तुम्हारे अंदर मुझे शिव बाबा को बैठाना है, अपने को क्लीन करो। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस गुड फीलिंग में आज सारा दिन रहेंगे। ओम शांति।